हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं भागवत दंगन आपका अपने यूट्यूब चैनल लैप टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम स्टडी करने वाले हैं क्लॉटिंग टाइम के बारे में कि क्लॉटिंग टाइम क्या होती है और इसका क्या क्या क्लिनिकल सिग्निफिकेशंस हैं। तो हम देखते हैं दोस्तों, इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेशंस में जनरली हम जो क्लॉटिंग टाइम है वो उसका हम यूज़ जो होती है सीवियर क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स की कंडीशंस में करते हैं फ्रेंड्स। तो इसके लिए टेस्टिंग के लिए हम मेथड्स के बारे में बात करते हैं। तो इसके लिए हम दो मेथड्स की यूज़ करते हैं जनरली। एक तो कैपिलरी ट्यूब मेथड होती है, सेकंड होती है दोस्तों लिवाइट मेथड्स। तो फर्स्ट हम देखते हैं फ्रेंड्स कैपिलरी ट्यूब मेथड के बारे में कि कैपिलरी ट्यूब मेथड क्या होती है। तो इसमें नॉर्मल रेंज जो होती है कैपिलरी ट्यूब मेथड में 4 to 9 मिनट्स की होती है फ्रेंड्स। स्पेसिमेंस की बात करते हैं तो इसमें हम कैपिलरी ब्लड्स का यूज करते हैं। और प्रिंसिपल्स देखते हैं फ्रेंड्स, इसमें प्रिंसिपल्स जो होती है जनरली जो है फिंगर प्रिंट करके हम ब्लड जो है कलेक्ट करते हैं कि इसमें अपना कैपिलरी ट्यूब्स में, और स्टॉपवॉच स्टार्ट कर लेते हैं और हम इसको 2 मिनट बाद हर 30 सेकंड में हम क्या करते हैं ब्रिक कर करके 1 cm के आसपास हम ब्रिक करके देखते हैं फ्रेंड्स कि किस टाइम पर क्लॉटिंग हो रहा है या फिब्रिन का जो स्ट्रिंग बन रहा है। इस फिब्रिन स्ट्रिंग के बनने को ही हम क्या कर लेते हैं, इस टाइम को हम नोट कर लेते हैं। ये हमारा क्या होती है फ्रेंड्स, क्लॉटिंग टाइम होती है। देखते हैं दोस्तों हम कि क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है इस टेस्ट को डन करने के लिए। तो फर्स्ट देखते हैं इसमें स्टराइल लैंसेट की ज़रूरत होती है, कैपिलरी ट्यूब्स की ज़रूरत होती है जो कि 1.5 mm डायमीटर और 10 to 15 mm लेंथ की होनी चाहिए। कॉटन की ज़रूरत होती है, स्प्रिट या फिर 70% अल्कोहल की ज़रूरत होती है, स्टॉपवॉच की ज़रूरत होती है। प्रोसीजर्स की बात करते हैं तो इसका प्रोसीजर्स में हम क्या कर लेते हैं, फिंगर प्रिक करते हैं फ्रेंड्स। तो फिंगर प्रिक करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले कॉटन पर 70% इस अल्कोहल या फिर स्प्रिट ले लेते हैं और फिंगर टिप को हम क्या कर लेते हैं दोस्तों, क्लीन कर लेते हैं। अब जैसे क्लीन करने के बाद यह ड्राई होती है तो हम एक लैंसेट, स्टराइल लैंसेट लेते हैं। स्टराइल लैंसेट की मदद से हम 1 mm के लगभग क्या करते हैं फ्रेंड्स, डिप कर लेते हैं और हमारा जो स्टॉप वॉच होती है उसको स्टार्ट कर लेते हैं। इसके बाद इस ब्लड को हम क्या कर लेते हैं फ्रेंड्स, कैपिलरी ट्यूब में 2/3 या 2/3 पार्ट तक क्या कर लेते हैं हम कैपिलरी ट्यूब को फिल कर लेते हैं ब्लड से। इसके बाद 2 मिनट बाद दोस्तों हर 30 सेकंड में, एवरी 30 सेकंड्स में क्या करते हैं 1 cm के लगभग इस जो कैपिलरी ट्यूब्स होती है उसको ब्रिक कर करके देखते हैं कि फिब्रिन स्ट्रिंग का फॉर्मेशन हुआ है या नहीं। जैसे फिब्रिन स्ट्रिंग का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है, क्लॉट फॉर्मेशन हो जाता है, हम स्टॉपवॉच को बंद कर लेते हैं और यही हमारे जो टाइम होती है उसको हम नोट कर लेते हैं और यही हमारा क्या होती है फ्रेंड्स, हमारा क्लॉटिंग टाइम होती है। यह बताया गया फ्रेंड्स, यहाँ कैपिलरी ट्यूब में हम ले रहे हैं दोस्तों कि फिंगर प्रिक करके, और जैसे फिंगर प्रिक करके हम ले लिया, यहाँ स्टॉपवॉच हमने स्टार्ट कर दिया फिंगर प्रिक करके लिए, उसके बाद हम इसको 2 मिनट बाद क्या करते हैं, हम इसको 1 cm के लगभग ब्रिक कर करके देखते रहते हैं कि हम 1-2 मिनट्स के बाद जो है हर 30 सेकंड्स में यहाँ देखें ब्रिक कर करके देख रहे हैं कि स्ट्रिंग फॉर्मेशन हुआ है या नहीं। जब जैसे फिब्रिन स्ट्रिंग फॉर्मेशन हो गया, हमने स्टॉप वॉच को क्या कर लिया फ्रेंड्स, स्टॉप कर लिया और यही टाइम जो होती है उसको हमने क्या किया, नोट कर लिया, नोट डाउन कर लिया और यह हमारा क्लॉटिंग टाइम हो गया। इसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है फ्रेंड्स कि ये है कि लिवाइट मेथड्स की तुलना में ये मेथड्स जो होती है थोड़ा सा कम रिलायबल होती है, लेकिन जनरली मोस्ट लैब्स में इस मेथड्स का यूज किया जाता है। और इस मेथड का यूज जनरली हम इस कंडीशंस में भी करते हैं कि जब हमको वेंस ब्लड जो होती है अवेलेबल नहीं होती है या ब्लड जो होती है कम होती है, तो उस कंडीशंस में जो फ्रेंड्स इस कैपिलरी ट्यूब मेथड्स का हम यूज कर सकते हैं। सेकंड आता है फ्रेंड्स लिवाइट मेथड। लिवाइट मेथड का यूज हम किस कंडीशंस में करते हैं और इसका क्या क्या प्रिंसिपल्स होती हैं। तो लिवाइट मेथड में क्या करते हैं हम फ्रेंड्स, 2 ml ब्लड लेते हैं और 2 ml ब्लड लेने के बाद उसको हम क्लीन और ड्राई, एक 2 टेस्ट ट्यूब होती है उसमें जो कि एंटीकोगुलेटेड रहित होती है, उसमें एंटीकोगुलेंट नहीं होती है, उसमें कलेक्ट कर लेते हैं। और जो टाइम में क्लॉट होती है एक फिक्स टेम्परेचर देते हैं वाटर बाथ के साथ, और जो टाइम होती है उसको हम क्या कर लेते हैं, क्लॉटिंग टाइम को डिनोट कर लेते हैं फ्रेंड्स। ये इसका प्रिंसिपल है। क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है तो फ्रेंड्स हम देखते हैं कि स्टराइल सिरिंज की और नीडल्स की ज़रूरत होती है, कॉटन या स्प्रिट्स की ज़रूरत होती है जो कि, और टेस्ट ट्यूब्स की ज़रूरत होती है, स्टॉप वॉच की ज़रूरत होती है वाटर बाथ की जो कि 37 डिग्री +-5 डिग्री पर फिक्स्ड होती है फ्रेंड्स।
प्रोसीजर इसकी बात करते हैं तो प्रोसीजर में क्या करते हैं, हम सबसे पहले 2 ml ब्लड कलेक्ट करते हैं और हमारे स्टॉपवॉच को स्टार्ट कर लेते हैं फ्रेंड्स। इसके बाद 1 ml ब्लड जो होती है, 2 टेस्ट ट्यूब रखते हैं हम, उसमें 1 ml हम ब्लड डाल देते हैं और इसके जो और उसको हम कॉटन प्लग की सहायता से क्या कर लेते हैं फ्रेंड्स, बंद कर लेते हैं और इसको हम वाटर बाथ में 37 डिग्री सेल्सियस पर रख लेते हैं। इसके बाद हम 3 मिनट बाद प्रत्येक आधे आधे मिनट में या फिर 30 सेकंड, 3 मिनट बाद हम प्रत्येक 30 सेकंड बाद जो होती है, 3 मिनट जैसे कंप्लीट होता है उसके बाद हम हर 30 सेकंड में ट्यूब को क्या करते हैं दोस्तों, टिल्ट करते हैं, टेढ़ा करके देखते हैं कि ब्लड बह रहा है या नहीं, क्लॉट हो गया कि नहीं। जैसे ब्लड क्लॉट होती है दोस्तों, इस टाइम को हम नोट कर लेते हैं। फर्स्ट ट्यूब में हम पहले देखते हैं, फिर सेकंड ट्यूब में सेम देखते हैं और उसके बाद जो टाइम इंटरवल होती है उसके हिसाब से हम मिड का टाइम निकाल लेते हैं फ्रेंड्स। ये हमारा क्लॉटिंग टाइम होती है। यहाँ दिखाया गया है हम वेंस ब्लड 2 ml कलेक्ट कर रहे हैं, उसको 1 ml इस ट्यूब में डाल देते हैं। फर्स्ट ट्यूब में 1, सेकंड में 1। स्टॉपवॉच हमने यहाँ से स्टार्ट कर लिया फ्रेंड्स, 37 डिग्री टेम्परेचर पर इस वाटर बाथ को रख लिया है। इसके बाद हर आफ्टर 30 मिनट बाद, यहाँ दिया है कि 30 मिनट बाद क्या करना है, सॉरी 3 मिनट बाद हम क्या करते हैं, इस ट्यूब को टिल्ट करके देखते हैं फर्स्ट टाइम 45 डिग्री के एंगल पर। इसके बाद फिर जैसे कि 30 सेकंड कंप्लीट होता है फिर टिल्ट करके देखते हैं और यह तब तक करके देखते रहते हैं फ्रेंड्स जब तक हमारा ब्लड जो है क्लॉट नहीं हो जाता है। जो ब्लड क्लॉट हो जाता है तो उस टाइम को हम नोट कर लेते हैं, यही हमारा क्या होती है फ्रेंड्स, क्लॉटिंग टाइम होती है। फर्स्ट ट्यूब में पहले करते हैं फिर सेकंड ट्यूब में करके देखते हैं। इसमें जो नॉर्मल रेंज होती है फ्रेंड्स क्लॉटिंग टाइम की, वो 5 to 12 मिनट की होती है जो ली वाइट मेथड से। उसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देखते हैं फ्रेंड्स कि इसमें हम ब्लड को 1 ml, हमको 1 ml प्रत्येक टेस्ट ट्यूब में लेना ही है, 1 ml से कम नहीं लेने हैं फ्रेंड्स। 1 ml से अगर हम कम कर रहे हैं वॉल्यूम को तो हमको जो क्लॉटिंग टाइम है वो शॉर्टर मिल सकती है फ्रेंड्स, कम मिल सकती है। और हमारे जो ब्लड्स ले रहे हैं ट्यूब्स में, उसमें एयर बबल्स या फिर एयर बबल्स नहीं होनी चाहिए, जो वाटर बाथ का टेम्परेचर है वो फिक्स्ड होनी चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स, और एजिटेशंस नहीं होनी चाहिए सैंपल्स में। और अगर इस प्रकार की कुछ भी हमारा सैंपल्स में आ रहा है फ्रेंड्स तो हमको क्लॉटिंग टाइम जो है प्रॉपर नहीं मिल सकता। और वाटर बाथ का टेम्परेचर जो है 37 ± 5 डिग्री हम रख सकते हैं फ्रेंड्स। तो ये हो गए फ्रेंड्स आज का सेशन। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ और हमारे चैनल के साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। धन्यवाद दोस्तों।